एक आदमी श्री स्वामी समर्थ महाराज के पास आया और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, हे श्री स्वामी समर्थ, गरीबी क्यों आती है? बस ये कहना था तो श्री स्वामी समर्थ ने कहा, मेरे बच्चे याद रखना, गरीबी आने के दो अलग अलग कारण हैं। एक कारण, जब ईश्वर किसी को बड़ा मकाम देना चाहता है, खुश नसीब करना चाहता है, तो उसे दौलत, औलाद, रिश्तों और सेहत से आजमाता है और आगे चल के काफ़ी चीज़ें ले लेता है, क्योंकि ईश्वर ये देखना चाहता है कि मेरा बंदा कितना सब्र रखता है। और दूसरी वजह ईश्वर की नाराज़गी है। याद रखना, जो इंसान अपने आप को ऊंचा और बाकी को कम समझता है और ईश्वर के बनाए दूसरे जीव जंतुओं पर जुर्म करता है, तो ईश्वर का गुस्सा उस पर हावी हो जाता है और उसी नाराज़गी की वजह से वो गरीबी का शिकार बन जाता है। तो उसने पूछा, हे सद्गुरु स्वामी समर्थ, मालूम कैसे हो कि ये तकलीफ़ गरीबी ईश्वर की आजमाइश है या उसकी नाराज़गी? बात जब यहाँ तक पहुँची तो श्री स्वामी समर्थ ने कहा, ऐ इंसान, अगर तुम्हारी गरीबी या तकलीफ़ ईश्वर से दूर करने लगे तो समझ लेना ये ईश्वर की नाराज़गी है, और अगर तकलीफ़ में उसके करीब जाने लगो तो समझ जाना ये ईश्वर का इम्तिहान है।